सिद्धार्थ नगर और विकास नगर के रहवासियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से कहा कि क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा नालियां बनाई गई जिससे पानी निकासी में सुविधा हो, लेकिन नालियों के ऊपर डिवाइडर नहीं बनाया गया जिस कारण वाहनों को निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं कई कॉलोनी वासी इस दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। वहीं कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नालियों पर डिवाइडर बनाया जाए जिससे कि कॉलोनी वासियों को सुविधा हो। आपका नाम? इंदर सिंह राव। जोर से बोलो। जोर से बोलो। इंदर सिंह राव। कहाँ रहते हैं? विकास नगर, वार्ड नंबर 19। बताएं क्या समस्या लेके आए कलेक्टर में? हमारे वार्ड नंबर 19 में सिद्धार्थ नगर में जो गली थी उसके नालियाँ बनवा दी गई है, परंतु उन नालियों के कारण जो हमने व्यक्तिगत रैंप बना हुए थे उन रैंपों में इतनी प्रॉब्लम आ रही कि गाड़ियाँ उतर नहीं रही और थोड़ा सा पानी गिर जाता तो काफ़ी कीचड़ हो जाता है। और हम अभी भान दूसरे मकानों में रखते हैं, हमारे आसपास पड़ोस के दूसरे मकानों में रखते हैं। आने वाली बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा ये है कि यदि अगर ये नाली नहीं बनती है तो नाली नहीं बनने के लिए मतलब शेहों साहब से जो टॉकिंग हुई, चर्चा हुई, उसमें बताया उन्होंने टेंडर नहीं है। अगर टेंडर नहीं था तो नाली नहीं बनाते तो हम मतलब ज़्यादा सुटेबल रहता, क्योंकि हमने हमारी व्यक्तिगत नालियाँ बना रखी थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब टेंडर के पीछे अगर ये बरसात आती है तो इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जिससे मतलब कोई सभी का आना जाना बंद हो जाए। वाहन रखने में मतलब गिर रहे हैं लोग, वाहनों में मेरी खुद की गाड़ी कम से कम 5-6 बार मेरी दोनों गाड़ियाँ गिर गई। सभी की गिरी है गाड़ी, तो सबकी गिरी, सभी लोगों की गाड़ियाँ गिरती है और रख ही नहीं रहे कोई। 2-4 बार गिरी है।